गाइस वेलकम टू माय चैनल उर्वशी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज का जो मेरा वीडियो है, मैं आपके साथ एक गुड वाइब्स का हेयर मास्क का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। सो मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रखा है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था ये, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो रहे हैं, तो ये मेरे हेयर पर किस तरह से वर्क करता है, जो भी इसके बेनिफिट है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरह से आपको टैंगल्स रिमूव करने हैं, देन उसके बाद आपको पार्टीशन करना है अपने हेयर का। इस तरह से पार्टीशन हो गया। देन इसके बाद मैं यहां से इसकी लेयरिंग स्टार्ट करूंगी। सो ये रहा, काफी अच्छा है, मतलब काफी थिक है ये। देन इस तरह से इसे आपको अप्लाई करके मसाज करनी है अच्छे से। सो मैं यहाँ पे अपना स्टैंड निकाल के इस क्रम को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको मसाज करते हुए अच्छे से अप्लाई करना है इसे अपने हेयर पे, और आप इसे रूट्स पे भी लगा सकते हो, कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज के अंदर नो पैराबेन, नो सल्फेट, कोई भी ऐसे कोई केमिकल ज़्यादा नहीं होते हैं इसके अंदर, तो ये कुछ हार्म नहीं करता। और आपको लगा के अच्छे से मसाज देने, क्योंकि मसाज इंपॉर्टेंट है, तभी आपके स्कैल्प पे और रूट्स पे अच्छे से ये फैल पाएगा, अच्छे से मतलब स्प्रेड हो पाएगा। अच्छे से आपको इसे अप्लाई करना है अपने हेयर पे। देन आप इसमें अगर स्टीम भी लेना चाहते हो तो और भी अच्छा रहेगा, आप स्टीम भी ले सकते हो इसे लगा के। सो मैं अब साइड हेयर की पार्टीशन करके इसे क्रम को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे भी मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाज होगी तभी अच्छे से ये वर्क कर पाएगा आपके हेयर पे। और सबसे ज़्यादा आपको मसाज थोड़ा सा लाइक जहाँ पे आपके ड्राई फ्रिजी हेयर होते हैं वहाँ पर करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर लाइक ज़्यादा रूट्स पर नहीं लगा रही हूँ, जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा दिखती है वहीं लगा रही हूँ मैं मोस्टली। सो अच्छे से मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है आपको। छोटी छोटी स्टैंड लेनी है, देन इसे अप्लाई करना है। सो ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है इसे। सो मैं ऊपर की तरफ हेयर पे भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। देन इसे एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर रखना है, तो और ज़्यादा जितना ज़्यादा रखोगे उतना बेनिफिट। सो एटलीस्ट इसे आपको हाफ एन आवर तो रखना ही है, फिर उसके बाद आप हेयर वॉश करो। आप स्टीम ले लेते हो तो और भी अच्छा बेटर वर्क करेगी। देन मैं अच्छे से इसे और अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर होते हैं। सो इस क्रीम की बात कर लेते हैं। बेसिकली गुड वाइब्स का ये प्रोडक्ट है, कैरेटिन स्ट्रेटनिंग हेयर क्रीम है ये। इसकी क्वान्टिटी 100 ग्राम की है। इट्स क्लेम कि इसके अंदर कोई पैराबेन, सल्फेट या कुछ भी ऐसे केमिकल नहीं होते। बेसिकली इसका जो वर्क है, ये कैरेटिन ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जो आपके फिजी हेयर होते हैं, डल हेयर होते हैं, डैमेज हेयर होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करती है और उसको स्मूथ बनाती है, सिल्की शाइन आपके हेयर को करती है। तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, देन इसके बाद मैं यहाँ पे ये लिबॉन का सीरम लगाऊंगी। हेयर मास्क काफ़ी सही लगा पर्सनली, तो मैं इसे रेकमेंड कर सकती हूँ। सो आप ये मास्क भी ले सकते हो, या फिर आप अपना DIY रेमेडी भी मैंने इस पर शेयर कर रखी अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सी यू सून।